कह रहे हैं पूर्व रेल मंत्री, सुन लगे अप्रोच रैशनल नहीं रही है और जो रेवेन्यू आता रहा है उसको फ्रेटर अवे करते रहे हैं, उसको व्यर्थ करते रहे हैं। ये इन्होंने आज एक इल्जाम लगाया है आज तक के पुराने सभी सरकारों पे, और आज इनके किसी बात से ये जाहिर नहीं होता कि किस हिसाब से ये उसको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे। और एक चीज जो ताज्जुब की बात है, वो मैं उसको बुरा नहीं कहता, मैंने अपने बजट में कहा था कि हमें FDI की जरूरत रहेगी। FDI बहुत चीजों के लिए, अगर रेलवे को हमने बेहतर बनाना है, वर्ल्ड क्लास बनाना है, कांग्रेस भी कहती रही है, लेकिन आज तक लोगों के सामने उसको इतना बड़ा एक राक्षस बताते रहे हैं ये FDI को। आज तक किसी बात के लिए UPA सरकार ने FDI की बात की, उसकी विरोधता करते रहे, उसकी आलोचना करते रहे हैं। और मुझे याद है कि उस वक्त इन्होंने वॉकआउट भी हाउस से किया था जब मैंने उसका मामूली सा जिक्र किया था। और आज जो कर दिया हमने कि 5 पार्टिसिपेटिव मॉडल्स बनाए थे कि जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को मेन लाइन के साथ जोड़ा जाए, उसका पूरा खर्च जिन लोगों के पोर्ट्स हैं, जिनके कारखाने हैं, वो करें और उनको हम सिर्फ रेलवे डिस्काउंट दें भाड़े में, वो बात पे जोर दे रहे हैं कि इन्होंने वो कर रहे हैं, वो तो किया हुआ है। और उसके बाद आगे उन्होंने टारगेट नहीं बताया कि आगे कितने और लोगों के साथ उन्होंने अभी बातचीत की है और आगे उस पर कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत स्कीम्स का पुराना जिक्र किया है, IT पे बहुत इन्होंने बोला है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर लेंगे, शायद मालूम नहीं कि वो तो पाइपलाइन में है सब चीजें। पाइपलाइन में जो चीजें हैं, टिकट का कैसे करना है, कितने टिकट एक प्रति मिनट से 500 से बढ़ के 2000 ले गए, 2000 से आगे कितना बढ़ना है, कितना सिस्टम बेहतर करना है, नेक्स्ट जनरेशन की जो बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। उन चीजों को अपना बताए हैं, नई चीज किसी तरह नहीं लाए, सिर्फ आलोचना ही की है। और मुझे ताज्जुब है अगर उन्होंने PPP का जिक्र किया है, क्या किन बातों के लिए कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कह रहे हैं कि जो दीवारें बनाएंगे वो PPP मॉडल में बनाएंगे, जो सुविधाएं लोगों को देंगे वो PPP मॉडल में देंगे, और अब मुझे मालूम नहीं कि लोगों को किस हिसाब से उसका फायदा पहुंचा पाएंगे। एक चीज का मुझे दुख है साथ ये कि इन्होंने ये कहा कि मैं स्टॉपेजेस को रिव्यू करूंगा, जो गाड़ियों के ठहराव है जगह जगह। रेलवे एक तरफ तो ये हिंदुस्तान की जीवन रेखा बताते हैं और वो है, और इस कारण लोग रेलवे से सफर करना चाहते हैं क्योंकि ये रेलवे का सफर सुखदायक होता है, सुविधाजनक होता है। और ये कह रहे हैं कि जो रास्ते में ठहराव दिए हैं गाड़ियों को रोकेंगे। मैं मान लेता कि बड़ी गाड़ियों के लिए ठहराव कम चाहिए, लेकिन अगर साथ साथ छोटी गाड़ियां चलाई होती, लोकल गाड़ियां चलाई होती, वहां वो नहीं चलाई एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस रोकने के। मान लीजिए यहां से एक गाड़ी कलकत्ता जा रही है, रास्ते में 10 स्टेशन से जा रही है, वहां इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं, उनको भी उसकी जरूरत है। हम चंडीगढ़ से तो ये चाहेंगे कि सीधी कलकत्ता पहुंच जाए, लेकिन उन रास्ते वालों के लिए और क्या देंगे, ये अलग अलग जगह से कलकत्ता के लिए और ट्रेन चला दें, वो इनका जिक्र नहीं किया। जो इस वक्त हाल में स्टॉपेजेस हैं उनको रोकने का जिक्र कर दिया है, और इन्होंने जो अपना जाहिर किया है कि कितनी आमदनी होगी ऑपरेटिंग रेशियो पे, उस पे जरूर स्लिपेजेस होती रही है। मैं चाहूंगा कि उसको जो इन्होंने 90.7 पॉइंट कहा है वो आगे को और भी ठीक हो, पहले बढ़ता रहा है, वो इसी कारण बढ़ता रहा ज्यादा कि कोई इनिशिएटिव सरकार को लेने नहीं दिए जा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से उनको सपोर्ट रहेगी, हम नहीं कह सकते, मैं तो वैसे वहां नहीं हूं बीच में, उस ढंग से एक ऑफिशियल बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कांग्रेस की जो नीति रही है उसको जानता हूं। अच्छे काम के लिए हम साथ रहेंगे, FDI के लिए इनको बढ़ के आगे आए, खुल के आए कि किन किन अच्छी चीजों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो छोटे छोटे चीजों का जिक्र किया है, अच्छी ढंग से कहां बड़ी अच्छी ट्रेन चला सकते हैं उनके लिए नहीं कहा। उदाहरण के पंजाब के लिए 4 ट्रेन, आप पंजाब से भी चंडीगढ़ की चंडीगढ़ चलिए, मैं समझता हूँ ना, 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 ना काफी है वो, हम दिल्ली चंडीगढ़ हाई स्पीड नहीं कहा, इन्होंने सेमी हाई स्पीड कहा है। जो आज के दिन गाड़ियां चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में चल रही हैं, यानी कि शताब्दीज, उनकी स्पीड 120 से नहीं बढ़ती कभी भी, तो एक सेमी हाई स्पीड को कहते हैं कि 160 से लेके 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे अगर वो चले उनको सेमी हाई कहते हैं। उस पे काम पहले से हो रहा है, आगरे वाला काम पहले हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत पुरानी चीज पूरी की कि कटड़ा उधमपुर को जोड़ दिया, वो किसने किया है काम, लेकिन मैं तो पवन बंसल जी यहां पर आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कई बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए और सिंह साहब